अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे इन शहरों के बीच बना 93.1 किलोमीटर लंबा 4 लेन वाइड एक्सप्रेसवे है जो फुली एक्सेस कंट्रोल्ड है। सिर्फ रैंप्स से एंट्री एग्जिट अलाउड है। इस पर काफ़ी स्मूथ पेवमेंट है जो एसफेल्ट से बनी है और स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आर है। 3.5 मीटर चौड़ी लेन्स और 2.5 मीटर चौड़ा शोल्डर है। ये अहमदाबाद में नरोल नरोडा रोड से स्टार्ट होता है और वडोदरा में NH-64 पर ख़त्म होता है। 2 एग्ज़िट्स हैं बीच में, नदियाद और आनंद में। इनमें क्लवलीफ इंटरचेंज बना है गाड़ियों की एंट्री एग्जिट के लिए। 2003 में खुला था और बनने में 475 करोड़ रुपए लगे थे। दोनों सिटीज़ के बीच ट्रैवल टाइम 2.5 घंटे से कम होकर 1 घंटा हो गया है। इसको नेशनल एक्सप्रेसवे 1 का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये पहला इंटरसिटी एक्सप्रेसवे है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के NHAI ने बनाया है। इससे पहले बना मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाया था, इसीलिए उसको NE1 का नाम नहीं दिया गया। ये गुजरात में बना पहला और इकलौता एक्सप्रेसवे है। अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसका 300 किलोमीटर लंबा भाग गुजरात से होकर गुजरेगा और इस एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा क्लवलीफ इंटरचेंज के साथ। इसके अलावा एक अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे प्लान भी है जो 110 किलोमीटर लंबा होगा। पूरे रूट में 9 अंडरपासेस, 20 माइनर ब्रिजेस, 4 मेजर ब्रिजेस और 15 फ्लाईओवर्स भी शामिल हैं। ये टोल प्लाजा है। पूरे रूट का टोल गाड़ियों के लिए 110 रुपये है। NH-48 का रूट यहाँ एक्सप्रेसवे के साथ मर्ज होता है और ये दोनों यहाँ से साथ चलेंगे वडोदरा तक। एक्सप्रेसवे ख़त्म होने के बाद NH-48 आगे कंटिन्यू करेगा चेन्नई तक, मुंबई के बाहर से होते हुए जाएगा। ये पहला एग्जिट है नादियाद के पास। क्लवलीफ इंटरचेंज बनाता है स्टेट हाईवे 12 के साथ। दूसरा एग्जिट आनंद के लिए। क्लवलीफ इंटरचेंज बनाता है स्टेट हाईवे 50 के साथ। इसमें लेफ्ट लेन ड्राइविंग लेन है और राइट लेन सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए यूज होती है रूल्स के हिसाब से। 2 व्हीलर्स और दूसरे स्लो व्हीकल्स अलाउड नहीं है इस पर। 4 लेन्स हैं मगर फ्यूचर में इसको एक्सपैंड करके 6 लेन्स बनाने का प्लान है। यहाँ एक्सप्रेसवे ख़त्म होता है वडोदरा में। NH-48+64 के साथ सारा ट्रैफिक मर्ज हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।